हेलो एवरीवन, क्लोंजी का प्रयोग हमारी रसोई के अंदर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए अचार मुरब्बों में और ग्रेवी के अंदर अक्सर किया जाता है। यह बहुत सारे अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स लिए होती है। आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे, कैसे किस बीमारी में कैसे हमें इस्तेमाल करना है, क्या सावधानियाँ रखनी है, इसकी तासीर कैसी होती है, किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना। ये सारी जानकारियाँ लेने के लिए हमारा आज का यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। कलौंजी के छोटे काले रंग के बीज होते हैं जिनको कि ब्लैक सीड के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटे जो तिलनुमा सीड्स होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, लेकिन बहुत सारे इसके अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट फिट्स होते हैं। इनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, लेकिन महिलाओं के लिए तो ये वरदान होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक्ने पिंपल्स को दूर करने में, त्वचा के रोगों के लिए कलौंजी बहुत फ़ायदेमंद है। कलौंजी जिनको बार बार त्वचा में एक्ने हो रही हैं, दाने हो रहे हैं, कील मुहासे फुंसियाँ हो रही हैं, उसके लिए कलौंजी का तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कलौंजी का तेल है, आधा चम्मच लेकर आधा चम्मच मौसमी का रस लेना है। इसका यह जो फेस पैक बना लेना है दोनों को मिलाकर, और ये चेहरे पर साफ कॉटन से अप्लाई करना है। जहाँ पर कील मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, अगर चेहरे पर यह अप्लाई किया जाता है, इसमें बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दाग कील मुहासे दूर होते हैं। तो यह फेस पैक अगर अप्लाई किया जाता है तो चेहरे पर चमक भी आती है। कलौंजी का प्रयोग डायबिटीज, शुगर के रोगियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं वो अगर इसके कलौंजी के पाउडर का इस्तेमाल, आधा आधा चम्मच कलौंजी का पाउडर और आधा चम्मच आंवले का पाउडर दोनों को मिक्स कर लें, और वो अगर सुबह शाम लेते हैं हल्के गुनगुने पानी के साथ, उससे देखा जाता है शुगर लेवल कंट्रोल में आता है। मेमोरी को बूस्ट करने के लिए भी कलौंजी बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे शास्त्रों में भी बताई है यह मेमोरी को बूस्ट करती है, हमारे दिमाग को, हमारी बुद्धि को बढ़ाने में फ़ायदेमंद होती है। इसके लिए आपको कलौंजी का पाउडर जो है शहद के साथ इस्तेमाल करना है। 5 साल से छोटे बच्चों में आप कलौंजी के पाउडर का इस्तेमाल मत कराएं। 5 साल से बड़े हैं बच्चे, उनमें आप 1/4 चम्मच थोड़े से शहद में मिलाकर चटाया जाता है, तो यह बुद्धिवर्धक भी बताई है, शास्त्रों में भी है, और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। दमा के रोगियों के लिए भी यह बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको अस्थमा की दिक्कत रहती है उन रोगियों के अंदर अगर कलौंजी की चाय के रूप में हर्बल ड्रिंक दी जाती है, थोड़े से गुनगुने पानी के अंदर इसकी कलौंजी का पाउडर डाल लिया जाता है, और फिर जब थोड़ा ठंडा हो जाता है, उसमें पीने लायक हो जाता है, थोड़ा शहद मिलाकर वो हर्बल ड्रिंक पी जाती है, आधा चम्मच उसमें आपको कलौंजी पाउडर 1 कप पानी के अंदर डालना है, उसको बॉयल करना है, छान के फिर जब हल्का गुनगुना हो जाए उसमें शहद मिलाकर हर्बल ड्रिंक पी जाती है, घूंट घूंट कर लिया जाता है। जिनको दमे की दिक्कत है, सांस में दिक्कत रहती है, बलगम ज़्यादा बनता है, खांसी पुरानी रहती है, उसमें यह काफ़ी फ़ायदा देती है। ऐसे अस्थमा के, दमे के पुराने रोगी, सांस के पुराने रोगी इसको लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। कलौंजी का तेल दर्दों को दूर करने में बहुत फ़ायदेमंद है। कलौंजी ऑयल की अगर जिनको पुराना हेडेक है, सिर में दर्द रहता है, अगर मालिश की जाती है या माथे पर भी थोड़ा सा सिर दर्द है, आप मसाज कर लेते हैं तो कलौंजी के तेल की मालिश से काफ़ी फ़ायदा होता है। वजन को कम करने में भी कलौंजी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। यह भूख को भी सप्रेस करती है। जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए कहना चाहेंगे, बराबर मात्रा में जीरे का पाउडर, काला जीरा और कलौंजी तीनों बराबर बराबर 100-100 ग्राम लेकर इसका पाउडर बना ले। सुबह शाम आधा आधा चम्मच खाने के बाद अगर गर्म पानी के साथ, नवाई पानी के साथ लिया जाता है तो वजन कम होता है। महिलाओं की मासिक धर्म संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी यह पाउडर बहुत बेनिफिशियल है। जोड़ों के दर्दों के लिए भी कलौंजी बहुत फ़ायदेमंद है। कलौंजी का तेल है, अगर लिया जाता है जोड़ों के दर्दों को दूर करता है। इसके लिए आपको कलौंजी को, 1 चम्मच कलौंजी को आप 20 ml तेल का, तिल का तेल हो या सरसों का तेल हो, उसमें आप पका लें। थोड़ा सा अजवाइन भी अगर उसमें डाल ली जाए और फ़ायदा होगा, और उसके बाद जब वो उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए, कम आँच पर आपको पकाना है, उसके बाद उसको छान लिया जाए, डिब्बी में बंद करके रख लें। आप उसकी सुबह शाम अगर
जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो दर्द को दूर करने में यह कलौंजी का तेल काफ़ी फायदा देता है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है। कलौंजी का अगर प्रयोग किया जाता है तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL का लेवल होता है वो कम होता है, ट्राइग्लिसराइड्स को भी यह कम करता है, HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल यह बढ़ाता है। हृदय रोगियों के लिए कलौंजी का प्रयोग बहुत फायदेमंद है, शुगर के मरीजों को तो यह फायदा देता ही है, साथ में हृदय रोगियों के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है। दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी कलौंजी बहुत फायदेमंद है। अगर जिनको दांतों में कीड़ा हो जाता है, कैरीज हो जाती हैं, बार बार मसूड़ों से खून निकलता है, तो कलौंजी के तेल की अगर मसूड़ों पर मालिश की जाती है दांत मजबूत बनते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी कलौंजी बहुत फायदेमंद है। अगर आंवला का पाउडर और कलौंजी का पाउडर दोनों बराबर बराबर लिए जाते हैं और आधा आधा चम्मच की मात्रा में सुबह शाम हल्के गुनगुने पानी के साथ इनको लिया जाता है, इम्यूनिटी अच्छी बनती है, बार बार होने वाले इन्फेक्शंस दूर होते हैं। तो आंवले और कलौंजी को बराबर बराबर मात्रा में लेकर सुबह शाम आधा आधा चम्मच ये पाउडर अगर लगातार 1-2 महीने तक इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली सर्दी के टाइम में अगर लिया जाता है, तो ये काफ़ी फायदा देती है। कलौंजी हमारे बालों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जिनके बाल झड़ते हैं, बाल कमजोर हो गए हैं, बाल हैं समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, ऐसे में कलौंजी का तेल अगर लगाया जाता है बालों की जड़ों में, उसमें थोड़ा सा आंवले का पाउडर आप मिला लें, उससे देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बाल झड़ने की समस्या कम होती है, समय से पहले बाल सफ़ेद नहीं होते, सफ़ेद बालों को भी यह काला करने की टेंडेंसी रखता है, नेचुरल इसमें डाई होती है, तो बालों के स्वास्थ्य के लिए भी कलौंजी का तेल, कलौंजी का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है। कलौंजी महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। महिलाओं को जिनको मासिक धर्म में दिक्कत रहती है, मासिक धर्म के समय पीड़ा ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा होता है, मासिक धर्म खुल कर नहीं आते, गर्भाशय के लिए, यूट्रस के लिए तो बहुत अच्छा टॉनिक है, या जो कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, कंसीव नहीं हो रहा है, उन महिलाओं के लिए भी कलौंजी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यूट्रस की अंदर तक क्लीनिंग करता है, गर्भाशय शुद्धि कर कहा गया है। जिनको आर्तव खुल के नहीं आ रहा, मेंसेस खुल के नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, उन लेडीज़ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसके लिए आपको बराबर मात्रा में जीरा, काला जीरा, कलौंजी तीनों बराबर बराबर 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लें, आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल करने से देखा जाता है मासिक धर्म संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं, कम मेंसेस कम आना, मेंसेस में दर्द होना, या फिर इनफर्टिलिटी की जिनको दिक्कत हो रही है, कंसीव नहीं हो रहा, वो लोग अगर इस्तेमाल करते हैं बहुत फ़ायदा है। हाँ, जिनको मेंसेस ज़्यादा रहे हैं, जिनके शरीर में गर्मी ज्यादा है, जिनको बहुत ज्यादा फोड़े फुंसियां हो रही है, पित्त जिनका बड़ा हुआ है, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर मेंसेस कम है, आपको गांठ रिसोली है उस बच्चेदानी में, उसमें भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे बहुत फायदा है, आप अपने एक्सपर्ट की सलाह इसमें ले सकते हैं। आफ्टर डिलीवरी भी देखा जाता है, कलौंजी की जो काढ़ा है वो दिया जाता है, कलौंजी का सेवन करना यूट्रस को क्लीन कर देता है, तो यह कलौंजी पेट हाजमे के लिए, बढ़ी हुई चर्बी को कम करने के लिए, महिलाओं के मासिक धर्म संबंधी विकारों के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ, इसमें इसके प्रयोग में ध्यान रखना है, ज़्यादा छोटे बच्चों में इस्तेमाल नहीं करना, प्रेगनेंसी के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं करना, ज़्यादा गर्मी में मई जून के महीने में आप इसका इस्तेमाल ना करें, जिनके शरीर में गर्मी ज़्यादा है, पित्तज प्रकृति है, जिनको मेंसेस ज़्यादा आते हैं या शरीर में गर्मी ज़्यादा है, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपने भी कलौंजी का इस्तेमाल किया है, आपके भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो को लेकर आपके कुछ थॉट्स हों आप हमें बता सकते हैं, आपके मन में कोई शंकाएं हैं आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की और भी हेल्थ संबंधी जानकारियाँ लेने के लिए हमारे इस चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।